अब खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और अब शुरू होने जा रहा है नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक इंटरव्यू। करोड़ों दर्शक अब वो देखने वाले हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक इंटरव्यू सीधे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। इंडिया टीवी आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक नए इतिहास के गवाह होने वाले हैं। कुछ ही देर में हम इतिहास का एक नया पन्ना लिखने वाले हैं। ये 17वां चुनाव है, 16 लोकसभा इलेक्शन हुए, 15 प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे अपने 5 साल के काम का हिसाब देने। टीवी की दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज वेलकम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शुरू करते हैं। मोदी जी, 5 साल बाद मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा, मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। अब एक और मैसेज आपको सुनाता हूं, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो हर जगह ये मोदी मोदी, कभी आपने सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? रजत जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। इस बीच आपसे बात करने का आज अवसर मिला है, लेकिन आपने शुरुआत जनता के नाम से की है और वैसे भी आप जनता के पत्रकार हैं। पहले तो मैं इसमें सामान्य मानवी की जो क्रिएटिविटी है उसको एंजॉय करता हूं। जहां तक मोदी का सवाल है, 2014 में पहली बार, मुझे याद तो नहीं कि इस प्रदेश में मैंने पहली बार ये सुना, लेकिन पहली बार ये शब्द मेरे कान में गूंजने लगे और उसको मीडिया ने भी उठा लिया और शायद दुनिया के राजनीतिक इतिहास में
दो शब्दों का नारा, दो अक्षरों का, दो शब्द भी नहीं, दो अक्षर नारा बन जाए, ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए अध्ययन का विषय है। लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है, जनता जिस प्यार से इन बातों को बताती है, उसमें किसी के प्रति गुस्सा भी है, किसी के प्रति नफरत भी है, और मोदी के प्रति प्यार से ज्यादा विश्वास और अपेक्षाएं हैं। और इसलिए शुरू में तो जब मोदी मोदी सुनते थे तो एंजॉय कर लेते थे, लेकिन अब जब मोदी मोदी सुनता हूं तो मैं सोचता हूं मेरी नींद मुझे और कम करनी पड़ेगी, मुझे और जागना पड़ेगा, मुझे और दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य मानवीय के लिए ये शब्द नहीं है, सामान्य नागरिक के लिए ये नाम नहीं है, उसके दिमाग में उसकी समस्याओं का समाधान है। और तब मेरा दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है, मैं देशवासियों को उनके इस प्यार के लिए सर झुका करके नमन करता हूं, लेकिन उन्हें मैं जरूर कहूंगा मैं भी आपके जैसा एक सामान्य इंसान हूं, मुझमें भी जैसे कि इंसान में कमियां होती हैं वो कमियां हैं, मुझमें भी हर इंसान में जैसे कुछ गुण होते हैं मुझमें भी गुण है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं इस पद पर रहते हुए और जहां भी रहूंगा आपके लिए जीऊंगा। मोदी जी, आप तो विनम्र होकर कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो विरोधी हैं, अब राहुल गांधी बेंगलोर में सभा कर रहे थे विद्यार्थियों के बीच, वहां भी मोदी मोदी। अब इसके लिए तो हम क्या जवाब दें? किसने मुझे लिखकर भेजा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, कान खोलकर सुने विरोधी। आपको नहीं लगता कि सारा का सारा कैंपेन, सारा का सारा भार आपके कंधों पर है? मुझे जरा भी नहीं लगता है। शायद मैंने इतने जीवन में चुनाव लड़े हैं और उससे ज्यादा लड़वाए हैं संगठन में रहते हुए, ये पहला चुनाव मैं ऐसा देख रहा हूं जो दल नहीं लड़ रहा है, देश लड़ रहा है। ये पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से जनता कई कदम आगे है। शायद ये चुनाव ऐसा है कि मुझे चुनाव के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मुझे जो मेहनत पड़ रही है और जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूं। 5 साल इस देश ने मेरा साथ दिया है, मुझे आशीर्वाद दिए हैं, तो ये मौका है कि मैं उनका धन्यवाद करने जाता हूं, सर झुका करके नमन करने के लिए जाता हूं। मोदी जी, 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी कि ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अनुभव नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी। तो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपने विदेश नीति को बाएं हाथ का खेल बना दिया, कुछ तस्वीरें हम देखें।
गरीब परिवार का कोई विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष चलाए, इतना नॉर्मल। आपने सही कहा, जब मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मेरी सबसे बड़ी आलोचना जो होती थी ये होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे जब शपथ का निमंत्रण मिल गया और मैंने सार देश के नेताओं को इनवाइट किया तो ये सारे पंडितों के लिए समस्या हो गई कि ये क्या हो गया कि ये शपथ अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया। तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हुई। मेरा बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उसका मेरे काम मेरे सपने मेरे प्रयास उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अमेरिका ने तो मोदी जी आपको वीजा नहीं दिया था कई साल तक और फिर 5 बार अमेरिका वीजा नहीं दिया। इतना ही नहीं, वीजा कैंसिल करने का थप्पा लगाया था और अब ट्रंप कहते हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, इवांका आपकी। लेकिन दुनिया में आज जो आपने जो चीजें दिखाई है, दुनिया के सभी बड़े प्रमुख लोग थे, दिमाग से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं दिल से काम लेता हूं। जब टेबल पर बैठते हैं आमने सामने बैठते हैं तो उसमें दिमाग प्रमुख होता है, लेकिन टेबल पर से उठते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूं मैं। और मेरी इतनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है वो मैटर करती है। और उस बात को मैंने करने की बड़ी कोशिश की। इससे भी ज्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे देश में हमारे पॉलिटिकल पंडित भी इसकी ताकत नहीं समझते हैं। 30 साल तक देश में पूर्ण बहुमत की सरकार न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा विश्व में हमारी स्वीकृति के लिए एक सवालिया निशान बन गया। कोई भी देश होता था यार ये कितने दिन रहेगा, ये निर्णय करेगा कौन मानेगा। मैं विदेश नीति की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रति जो भाव जगा है उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को देता हूं। 2014 में 30 साल के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई, उस सरकार का परिणाम है कि दुनिया के देशों को भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार की बहुत ताकत होती है। इस चुनाव में भी मैं देशवासियों को यही कहता हूं कि भारत जैसे विशाल देश और आने वाले दिनों में एशिया की सेंचुरी की जब चर्चा करते हैं तब भारत का रुतबा और बढ़े ये हिंदुस्तान की 21वीं सदी के लिए उपयोगी है। इसलिए सरकार पूर्ण बहुमत की ही चुननी चाहिए। पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने साथी दलों को साथ रख करके आगे बढ़े, ये भी भारत की विशेषताओं के कारण आवश्यक है। दूसरी बात, आपने अगर पूरी तरह एनालिसिस किया होगा तो मैं कभी ये कोशिश नहीं करता हूं कि जो नेता मुझे मिल रहा है उसके विषय में मैंने क्या पढ़ा है क्या सुना है उसका बैकग्राउंड क्या है वो क्या सोचता है। जब मैं 1-to-1 मिलता हूं तो मैं उन बैगेजेस को दिमाग में भर के नहीं मिलता हूं, वो जैसा है वैसा मैं उनसे मिलता हूं और मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस के आधार पर चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाता हूं। उसके कारण सामने वाले को भी एक समाधान होता है, वरना दुनिया के किसी नेता के विषय में प्रोफाइल पढ़ के जाओगे तो 50 की चीजें होती हैं, उससे कभी हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते।
और तीसरी बात, कोई भी बात करूं, मेरे दिल में कभी ये इच्छा नहीं रहती है कि मैं अपना प्रभाव छोड़ के आऊं। ये बिल्कुल मेरे मन में इच्छा नहीं रहती। मेरे दिल में एक ही भाव रहता है, मैं उसे हिंदुस्तान के लिए आकर्षित करके ले आ जाऊं वापिस, उसको भारत के लिए अट्रैक्ट करूं। आपका एक सीक्रेट मेरे पास में एक तस्वीर, वो मैं जरा लोगों को दिखाना चाहता हूं। कहां से कहां आप पहुंच गए? जब आप पहले अमेरिका गए थे तो कैसे आप व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं, ये तस्वीर मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं। जिस व्हाइट हाउस के बाहर आप खड़े हैं, कभी आपने सोचा था कि उस व्हाइट हाउस में आपके लिए डिनर किया जाएगा, उस व्हाइट हाउस में आपको परिवार का मेंबर मान लिया जाएगा? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा पता नहीं बचपन से आत्मविश्वास इतना है। और एक कारण है, वैसे ये सबके सामने बोलना अच्छा है नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बोल देता हूं। बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे, दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो, एक तो हाइट बॉडी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं, और मैं देखता है हमारे नेताओं को ऐसे करके वो ले जाते हैं। ये चीज मुझे बड़ी अखरती थी, मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों ना हो, ये बाहर वाले ऐसा करके ले जाते हैं। मेरे मन में रहता था मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा होगा, ये मेरे मन में भाव भरा पड़ा था, ये क्यों था मैं नहीं जानता। और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था, न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। अब ये जो आपने तस्वीर दिखाई, ये सारी चीजें 90s के बाद की है। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो का जो लेक्चर था, उसकी जो शताब्दी हुई, उस शताब्दी के निमित्त मैं अमेरिका शिकागो में एक कार्यक्रम के लिए गया था। कोइंसिडेंट ऐसा था, उसी समय अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा एक यंग लीडर कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे इनवाइट किया गया था, वो करीब 4 हफ्ते का कार्यक्रम था। तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के कार्यक्रम के तहत हम लोग वहां अलग अलग जगह पे जाते हैं, उसमें से एक तस्वीर है। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि मुझे भी कभी व्हाइट हाउस में आकर के अपनी माथा पच्ची करनी पड़ेगी, यह हमें मालूम नहीं था। ये बात सही है, चाहे ओबामा परिवार हो, चाहे ट्रंप परिवार हो, चाहे क्लिंटन परिवार हो, या बुश का भी, जिन लोगों से मेरा संबंध आया है, अपनापन सबके साथ है मेरा। ट्रंप के बारे में तो लोग कहते हैं बहुत टेढ़े इंसान हैं, और लेकिन उनसे आपने ऐसी आत्मीयता कर ली, वो कहते हैं इवांका मोदी जी के फैन है। पहले तो दुनिया के नेताओं के संबंध में हम किसी तीसरे के द्वारा जो जानते हैं ना, वो सही नहीं है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही जो सुनता हूं उससे अलग है, बिल्कुल अलग है जी। और ये बात सही है, मैं आपको बताता हूं, मैं जब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप से मिला तो व्हाइट हाउस में शायद हम लोग 9 घंटे थे, शायद रेयर ऐसा होता होगा, वरना 1 घंटा जाते हैं मीटिंग करते। अच्छा, वो मुझे ले गए अपना पूरा व्हाइट हाउस दिखाने के लिए, व्हाइट हाउस पहले भी जाता था, अन्य राष्ट्रपति के समय भी गया। उन्होंने मुझे अब्राहम लिंकन जिस कमरे में रहते थे वहां स्पेशली ले गए, और मेरे मन पर एक बात कि बड़ा प्रभाव रहा, न उनके हाथ में कोई कागज था, कुछ नहीं था, उन्होंने उस कमरे में जो टेबल था, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा साइन हुआ था, किसका था, सारा हिस्ट्री डेट वाइज वो ऐसे ही बोल रहे थे बिना कागज। आई वाज इंप्रेस, और वो भी मुझे प्यार से, इवन अपना खुद का कमरा भी वो मुझे देखने के लिए ले गए। काफी देर हम साथ रहे,
पूरा परिवार उन्होंने बुला के रखा था और स्वाभाविक है बाद में इवांका का भारत आना हुआ, उनके दामाद भी अभी थोड़े दिन पहले आए थे, तो एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। लेकिन इसमें क्रेडिट मोदी को कम जाती है, इसके मूल में 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। पहले क्या होता था, हमारे ऐसी सरकारें चली उस परिवार को ही प्रोजेक्ट करते रहे, दुनिया में परिवार को ही, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे पिता, मेरी मां वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, 5000 साल पुराना मेरा देश, मेरा योग, मेरा आयुर्वेद, मेरी संस्कृति, मेरे आर्किटेक्चर, मैं बस उसी की बातें करता हूं। तो मैं वहां हिंदुस्तान को लेकर के जाता हूं, खुद को। और इस इलेक्शन में जनता के सर पे क्या है? अरे आप देखिए ना, डस्टी डस्ट, कॉलेज, एयरपोर्ट, आईटी पार्क बन रहा है, प्रोग्रेस। और ये फर्क नजरिए का नहीं, एक्सटीरियर पेंट का है। बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिक नहीं ना दे। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। सारे लोग जो आपकी तस्वीरें देखते हैं, हम प्रेसिडेंट पुतिन के साथ तस्वीर देखी, शी जिनपिंग के साथ, ट्रंप के साथ, हर स्टेट के साथ, लोग मुझसे पूछते हैं कभी मोदी जी मिले उनसे पूछना इतनी बातें क्या करते हैं, हंस के घंटों आपकी बातें चलती हैं। एक एक घटना मैं सुनाता हूं। यहां पार्लियामेंट चल रही थी, एक हमारी रशिया के साथ बायलेटरल कॉन्फ्रेंस होती है रेगुलरली, एक वर्ष यहां होती है, एक वर्ष वहां होती है, तो कभी वो यहां आते हैं, कभी हम वहां जाते हैं। तो पार्लियामेंट में था मैं, और पार्लियामेंट से मुझे मॉस्को जाना था, तो सीधा ही पार्लियामेंट से निकल गया, हवाई जहाज में भी थोड़ा खा लिया, हवाई जहाज में मेरा मीटिंग रहती है, ब्रीफिंग चल रहा था पूरा, और मॉस्को जब पहुंचे तब -11 टेम्परेचर था। अब हम लोग तो यहाँ उतनी ठंड तो अनुभव नहीं करते, लेकिन वहाँ उतर करके हमको होटल जाना था, लेकिन हमारे एम्बेसडर आए, उन्होंने कहा साहब कार्यक्रम में बदल हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले पुतिन साहब इंतजार कर रहे हैं उनके यहाँ डिनर के लिए। मैंने कहा भाई रात को 9 बज गए, मैं 9 घंटे ट्रैवलिंग करके आया हूँ, अभी कहाँ ले जा रहे हो? तो नहीं, बोले साहब उनका बड़ा आग्रह है, जाना पड़ेगा। मैंने कहा कम से कम मुझे होटल पर ले जाइए, मैं फ्रेश हो जाऊँ, शावर ले लूँ, फिर चलते हैं। मैंने कहा लेकिन कितना समय लगेगा, कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। और बोले कोई नहीं होगा, आप होंगे, राष्ट्रपति पुतिन होंगे और इंटरप्रेटर होगा। अब खैर मना तो कर नहीं सकते थे, आधी अधूरी इच्छा को लेकर नहा धो करके भागे हम कपड़े बदल करके। हम दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे, जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब 4:30 होटल वापस आया। बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, उनकी जो वाइफ है वो आपके लिए चाय बना के आई जी। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो उनकी वाइफ आपको एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, वे बहुत ही नई नई चीजें जानना सीखने के बड़े स्वभाव के हैं, और वहाँ उनके कैपिटल के वो प्राइम मेयर भी रहे, राष्ट्रपति बने, तो एक प्रकार से दोस्ताना संबंध इनडायरेक्टली पहले से बन गया था, परोक्ष रूप से एक दूसरे से बातें करते। तो उनका मुझे मैसेज आया कि हम जर्मनी में मिलने वाले थे, उनका कहना था कि मैं मेरे परिवार के साथ आना चाहता हूँ, अगर आप समय निकालेंगे तो। मैंने कहा ठीक है। तो उनका फैमिली और हम कुछ समय साथ बिताए जर्मनी में, तब से दोस्ती हो गई। अभी मैं अर्जेंटीना गया था तो अपने घर ले गए, मैं गया था। अब वो रेगुलरली एक चाय पीते हैं वहाँ की, वो चाय का बर्तन भी अलग होता है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पिलाई। तो मैंने वैसे स्वाभाविक कटसी के रूप में भी कहते हैं बहुत अच्छी है। अभी वो जब भारत आए तो उनकी श्रीमती जी स्पेशली वो चाय बनाने का पॉट और चाय वगैरह सब लेके आई, और राष्ट्रपति जी ने खुद दे बना करके मुझे पिलाया। तो आपकी जानकारी सही है, तो चाय वाले को चाय वाली, चाय वाले को चाय अच्छी लगती है। वैसे ही
एक बार सिंगापुर में एक कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रित किया गया था, मैं कीनोट स्पीकर था सिंगापुर, लेकिन वो उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और स्वयं प्रधानमंत्री ऑडियंस में थे, बड़ा लेक्चर था। खैर मैं ट्रैवलिंग करके पहुंचा था, मेरा ऐसा ही रहता है बिल्कुल एक के पीछे एक कार्यक्रम लगे रहते, तो मैं एक कार्यक्रम करके पहुंचा था, स्नान करके कपड़े बदल करके लेक्चर करने गया था और काफ़ी मैं देशों का टूर करके आ रहा था। पूरा हुआ तो उनकी पत्नी का भी वहाँ के सार्वजनिक जीवन में बड़ा स्थान है, वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उनके पिताजी को मैं बहुत आदर करता रहा हूँ, पहले भी मैं उनके विषय में काफ़ी करता था, तो उनके श्रीमती जी ने कहा क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा आप तो इतना दौड़ धूप करके आया हूँ, अब जाऊँगा कल के कार्यक्रम का ब्रीफिंग वगैरह लेना है, तो बोले चलिए कहीं खाना खाना जाते हैं। अब मैं ना नहीं कर पाया तो हम तीनों लोग चले गए, तो वहाँ इंडियन एक गली है, इंडियन रेस्टोरेंट है, एक छः टेबल वाली छोटी सी रेस्टोरेंट में मुझे ले गए, तो बाकी लोग बैठे हुए थे, एक दो टेबल वालों को रिक्वेस्ट करके खाली किया और वहाँ हम खाए, और उन्होंने सारी इंडियन डिशें साउथ इंडियन वो सब मंगवाई और मुझे खिलाई, और हम तीन ही लोग बैठे थे, बाकी लोग अपना खाना खा रहे थे। आज भी सिंगापुर के लाइफ में दो प्रधानमंत्री का एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाना, अब वहाँ मुझे सिक्योरिटी की समस्या थोड़ी कम होती है तो ये सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन इन चीज़ों का प्रभाव बहुत होता है, बहुत होता है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ लोगों को जब शी जिनपिंग को आपने अपने बर्थडे पर बुलाया, गुजरात में बुलाया, झूला झुलाया, साबरमती पर घुमाया, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की इमेज तो हमारे जीवन में ऐसी होती थी बिल्कुल कुछ बोलेंगे नहीं, माउस से तो ये अगर स्माइल कर दिए तो बड़ी खबर होती है, माउस स्माइल, वो आपके साथ झूला झूल रहे हैं। इसमें भी एक कहानी है जी, मैं जब प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के देश के लोग एक कर्सी कॉल करते हैं, आपको बधाई देते हैं, तो राष्ट्रपति शी का फोन आया, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, पहली मुलाकात टेलीफोन पे हुई, तो फोन पर स्वाभाविक हम कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप चाइना आइए, मैंने कहा आप हिंदुस्तान आइए, तो ये कर्सी होती है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे गांव जाना है, फोन पे कहा पहले ही दिन। मैंने कहा मेरे गांव जाना है आपको, तो उनको प्रोनाउंसिएशन मालूम था, बोले वडनगर जाना है। बोले मालूम है वडनगर मुझे क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। बोले ह्यूएन संग जो चीनी फिलोसोफर 800,000 साल पहले आया था, बोले वो तुम्हारे गांव में जाके रहा था, और जब भारत से लौटा तो मेरे गांव में आके रहा था। तो बोले हम लोगों का बड़ा दाता है। मुझे ये तो मालूम थे कि ह्यूएन संग भारत आए थे, मेरे गांव में रहे थे, उस समय जहां मेरा जन्म हुआ वहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षुक की एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, हॉस्टल चलता था पता, और वो सब ह्यूएन सिंह के वर्णन में है। तो बोले इसलिए मुझे गुजरात आना है। फिर डेट उन्होंने तय की, तब मुझे भी मालूम नहीं था कि डेट तय करने के पीछे मेरा जन्मदिन है। फिर वो आए, बाकी तो जो कार्यक्रम था वो हुआ, उसके बाद हम दोनों दिल्ली आए, दिल्ली में मीटिंग हुई। शायद 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ, क्योंकि 62 का एक, उसके बाद एक बदलाव शुरू हुआ, उसके बाद एक बदलाव शुरू हुआ और भारत और चीन के एंगेजमेंट बढ़ने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं है, उनका ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि झूला झुलाया, गले लगाया, क्या पाया, और ये भी कहा मोदी जी तो शी जिनपिंग से डरते हैं। आप कपिल शर्मा के शो के स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? भाई एक पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो ट्वीट करते हैं तो क्या करें? उस पार्टी को सोचना चाहिए। अब वो
कई दिन से कह रहे थे कि देखिए मसूद अजहर पर फैसला नहीं आया, मसूद अजहर पर फैसला नहीं आया, शी जिनपिंग ने अटका के रोक दिया मोदी जी को। इनकी समस्या ये है कि वो मोदी का पूरा अध्ययन नहीं करते हैं। वो अगर अध्ययन करते तो शायद 50-60% तो समझ सकते थे कि अब मोदी इस रास्ते से जा रहा है तो उधर जाएगा, लेकिन ये मेहनत नहीं करते, ये मेहनत नहीं करते। अब ये उनकी उनका प्रॉब्लम है। दूसरा, उनको जो बाहर के लोग दाना पानी डालते हैं उसी को उसमें से वो चीज बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं कि मसूद अजहर को इलेक्शन के टाइम पे उनको डेजिग्नेट कर दिया टेररिस्ट, तो इनका प्रॉब्लम क्या है? ये पुलवामा हुआ और एकदम चालू पड़ गए, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, 40 लोग मारे गए, आपने देखा होगा सुबह शाम मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। अब किया तो किया क्यों, किया क्यों? इसलिए या तो वो धीरज रखें, इंतजार करें, मोदी कुछ कर रहे बैठे। उसी प्रकार से हमारे पायलट, जब ये दूसरे दिन जब घटना सुबह हुई 28 तारीख को, उनका एक F-16 हवाई जहाज तोड़ दिया, उनके पायलट मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े उत्साह में कह दिया कि हमने भारत का ही कर दिया। तो यहां इतनी खुशी हो गई इन लोगों को, अब मोदी बराबर शिकंजे में आया। और वो तो, और उसमें पता चला कि भारत का पायलट कैद किया गया है। अब उनको उनके जमाने का अनुभव था कि अब 2-4 साल तक तो आने वाला नहीं है। और इसलिए इसलिए उनको लगा इसलिए उनको लगा कि इसलिए उनको लगा कि पायलट वाला मामला ऐसा है कि मोदी का बालाकोट और 1000 किलो का बम ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। और कहते हैं कि शाम को कैंडल मार्च के कार्यक्रम भी तय हो चुके थे, पूरे देश में सूचनाएं जा चुकी थी, और अब मोदी बच नहीं सकता है। अब शाम को 4 बजते-बजते मामला बदल गया, उनकी बाजी उलट गई। अब ये मैं हैरान हूं जी, जो जो देश की सरकारों का एनालिसिस करने की जो पिछले 25-30 साल से जिन लोगों का आदत है ना, वो आज भी उसी पैरामीटर उसी तौर तरीके से मेरी सरकार का भी एनालिसिस करते हैं, और इसलिए इनके सारे हिसाब किताब गलत निकलते हैं। अब ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। और ये 10 साल तक चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर भारत को अटकाए रखा, ये कैसे आपने उनको मना लिया? आप आज से पहले दुनिया में हम कहां थे? जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पर अटक जाता था, और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था।
पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, आतंकवाद के संबंध में हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। कोई फोरम ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें भारत की हाजिरी हो और भारत ने मानवता के पक्ष की वकालत न की हो। और आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद किसी देश का नहीं, दुनिया की मानवता का खतरा है। ये लोगों को कन्विंस कराने में मैं सफल हुआ हूं, भारत सफल हुआ है। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में कश्मीर मुद्दा रहा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद मुद्दा है। और उस मुद्दे पर दुनिया को साथ लेने का लगातार प्रयास और भारत की एक कूटनीतिक विजय है, एक डिप्लोमेटिक विक्टरी है। और जो इसके जानकार लोग हैं वो जरूर कभी न कभी कहेंगे कि जितनी ताकत सर्जिकल स्ट्राइक की है, जितनी ताकत एयर स्ट्राइक की है, उतनी ही ताकत ये यूएन के रिजोल्यूशन की है। इसका इतना लंबा इंपैक्ट होने वाला है। आपकी डिप्लोमेसी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, किसी ने 4 लाइनें लिख के मुझे भेजी हैं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, पर जो देश के लिए जिंदगी खपाते हैं दुनिया उनके सामने सिर झुकाती है। यहां हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ और सवाल पूछेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ये पेंटिंग्स चिल्ला चिल्ला के अपनी ब्यूटी दिखा रही हैं, तो पढ़ी अनपढ़ी हर किताब इस दीवार पे हल्ला मचा रही है। फ्रेंच विंडो ने इस दीवार को सजाया है, हर छोटा बड़ा चेहरा लुक एट मी चिल्लाया है। चारों दीवारें कितना भी चिल्लाएं, पर सारा अटेंशन ये शांत सुंदर पांचवी दीवार ले जाए। Havells Stealth Series Designer Fans, जो दे मैक्सिमम एयर डिलीवरी और लोएस्ट नॉइस। Havells Fan Ceiling Art, बिना शोर मचाए सारा अटेंशन ले जाए। छोटी गलियों से भी चमकता है बड़ा नाम। देखिए विक्की की पूरी कहानी technomobile.in पर। टेक्नो कैम ऑन iPhone, नाउ शाइन इन एनी लाइट। टेक्नो, शॉर्ट सर्किट। चलिए चलिए। पर मैंने तो आग ना पकड़ने वाला वायर लगवाया था। ऐसी कोई वायर ही नहीं है। पर आर काबिल का पायरेक्स वायर ना काला जहरीला धुआं छोड़ता है, ना कभी आग फैलने देता है। आर काबिल, अकलमंद बनो, सही चुनो। Oh no, Grease! Please, please. Goodbye, purana hair coloring ka tareeka. Halon Streaks Insta Shampoo Hair Color. Ise sukhe baalon pe lagaye aur 5 minute mein dho dale. Hair color karna ab shampoo jitna aasan. Streaks Insta Shampoo Hair Color. Wo kya ehsaas hai jo bana deta hai har lamhe ko naya? Meri Marvel chahe har lamha naya ho jaye. इलेक्शन में जनता के सर पे क्या है? अरे आप देखिए ना, डस्टी डस्ट है। कॉलेज, एयरपोर्ट, आईटी पार्क बन रहा है। प्रोग्रेस। और ये फर्क नजरिए का नहीं, एक्सटीरियर पेंट का है। बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ऐतिहासिक दिन है, पहली बार
देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने अपने 5 साल के काम का हिसाब बता रहे हैं। जब आप प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, आपको याद होगा आपने मुझे कहा था कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री बने, आपने नवाज शरीफ को इन्वाइट कर लिया और फिर उनके यहाँ आप बर्थडे मनाने केक काटने भी चले गए। 2008 में हम लोगों को 26/11 याद है, लेकिन अगर 2008 देखेंगे शायद ही कोई महीना ऐसा गया है 2008 में जब कहीं ना कहीं बड़ा बम धमाका ना हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे ना गए हो। पूरा 2008 का यही सिलसिला चलता रहा। 26/11 तो एक आखिरी टॉप था ऐसा कह सकते हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और तब जाकर के मैंने कहा था ये, और शायद आपकी अदालत में मैंने एक बार कहा था कि लव लेटर लिखना बंद करो। और आपने देखा होगा वो लव लेटर लिखते थे मोदी लड़ाकू विमान भेजता है, को लगता है कि नवाज शरीफ के यहां जाना एक गलती थी क्योंकि बाद में उन्होंने यहां आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था, मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा मियां साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर है। तो उन्होंने ऐसे पूछा आप कहाँ? मैंने कहा मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते हैं, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ, मैंने इनको बधाई के लिए फ़ोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएँ तो अच्छा रहेगा, आपका क्या मत है? बोले मुझे अच्छा लगता है कि आप ही चुकता ही करो। बाद में मैंने हमारे NSA को SPG को सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है न वहाँ कोई आता पता है, सीधे जाके लैंड करें। मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह आया तो मुझे लगता था शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं कुछ कर पाएंगे और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए वहाँ पहुँचे तो उनका भाई मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा चलो यार। तो हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई, बाकी तो कोई सीरियस नहीं था, काफ़ी लोग थे हम लोग। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है। और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी एक घंटे की इस विजिट की। कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में जो झूठ फैलाया गया था उसको एक मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। हम वापस आए लेकिन एक ही हफ्ते में पठानकोट हो गया। अब ये जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए, अगर मेरी तरफ से ये दो जेस्चर न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना,
दूसरा, काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना। इन दोनों का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये दो घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए, कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी, या तो उनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्रनीति भूल जाते हो। राष्ट्रनीति सर्वोपरि होती है, राजनीति तो बात की बात होती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि, और मेरे नसीब में ऐसा विपक्ष मिला है, मैं क्या करूं। मोदी जी, इमरान खान को शिकायत है, उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, सच बोलता हूं, तो एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतने बार हमने लड़ाइयाँ लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई, आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं, ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़ें, हम अपने आवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में समस्या ये, मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के, अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई बात करोगे तो किससे करोगे, आर्मी से करोगे, ISI से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे, बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उन्होंने, उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतने प्यार से इतनी मीठी बात करते हैं जी, आप भी सोच लेंगे यार नहीं नहीं पाकिस्तान सुधर गया है। पुलवामा के बाद मैं उनकी बहुत मीठी मीठी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई आपकी बहुत बातें सुन चुका हूं, आप करते ही नहीं कुछ, हमारे यहां इतने लोगों को मार दिया, आपको हमने सबूत दे दिए, हमने एविडेंस दे दिए, उनकी टेलीफोन दे दिए, सब दे दिया, लेकिन आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और 10-10 साल हो गए। तो अगर ठीक है, अब हमारी सेना को जितना आता है वो करते रहेंगे। उनकी बात तो समझ आती है, लेकिन हमारे यहाँ ममता दीदी हैं, बहन मायावती हैं, अखिलेश भाई हैं, राहुल भैया, जितने भाई बहन हैं आपके यहाँ पर, वो सब कह रहे थे सबूत दीजिए एयर स्ट्राइक का। देश के किसी भी नागरिक को सबूत मांगने का हक है, राजनीतिक दलों के नेताओं को भी सबूत मांगने का हक है, लेकिन सबूत मानना ही उनकी जिम्मेवारी भी है। इनका प्रॉब्लम है कि मांगते रहो लेकिन मानो कुछ नहीं। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान खुद है जी। आप मुझे बताइए कि हमने तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया था, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से तो सुबह हम मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग करके कुछ योजना करने वाले थे, उस प्रकार से सारा प्लान किया हुआ था। जब 3:30 बजे सब पूरा हो गया, हमारे लोग लौट आए, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार करके सब अपना चाय वाय कर रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक का काम चल रहा था जी।
मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया तो पहले मेरा मन कर गया कि चलो सो जाएं, फिर मुझे हुआ नहीं यार देखे जरा इंटरनेशनल में कुछ हलचल तो नहीं है, तो मैं जरा ऑनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में कहीं पर इस घटना की खबरें आना शुरू हुआ तो नहीं है। घटना बहुत बड़ी थी। उधर मेरे लोगों को मैंने कहा ठीक है आप सो जाइए, लोग थके हुए होंगे सुबह बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं सोया। 5:45 बजे पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया। तो मैं फिर समझ गया कि मामला वो सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं, रोना शुरू कर दिया इन्होंने। तो मैंने फिर हमारे लोगों को इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई तुरंत बैठना पड़ेगा, तो रात भर जगे थे लेकिन फिर भी इकट्ठे हुए। फिर परिस्थिति का मूल्यांकन किया, फिर आगे की रणनीति हम बनाते रहे। ये सही है कि पाकिस्तान ने बालाकोट के उस इलाके में जंगलों में कुछ मिसाइल गिराए निशान बनाने के लिए, ताकि दुनिया को बता सकें कि भारत का निशाना चूका। ये इस विषय के जो जानकार लोग हैं इन्होंने खोज के निकाला है कि, और जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कि भाई अब उनके लिए मुसीबत थी कि भारत ने आकर के यहाँ किया है तो ये सिद्ध हो जाता था कि यहाँ टेररिस्ट कैंप था, क्योंकि इतने बड़ी पहाड़ी में घने जंगल में एक अकेली इकलौती बिल्डिंग और जिसमें भी 600 लोगों की रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, तो हर किसी को सवाल उठता है कि क्या था। इसलिए इनके लिए इसको छुपाने के लिए कोई ना कोई रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है, ये भी कहे कि यहाँ कोई आया था बम गिरा था तो भी फंस रहे हैं, और वो इतने डर गए थे जी, वो गलतियां पर गलतियां चले, विमान उनका गिरा उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा, पायलट उनका मरा उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा, यानी वो बिल्कुल ही बैलेंस खो चुके थे। और बैलेंस खोने का कारण था कि इतनी बड़ी घटना उनके लिए असंभव थी जी, और अभी भी उस सदमे में से बाहर नहीं आए। ये तो भारत में अगर चुनाव ना होते ना, अगर चुनाव ना होते और ये तूतू में ना होती और सामान्य दिवसों में घटना हुई होती, तो विश्व की जो महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इसकी उसमें गिनती होती जी। ये चुनाव के तूतू में भारत के वीरों के पराक्रम को हमने नजरअंदाज किया है, और इसलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव नतीजों के बाद शांति से इसके एक्सपर्ट हो, वो देश को समझाएं कि भारत के लोग कितने पराक्रमी हैं, कितना बढ़िया काम किया है। लेकिन जो विरोधी दल के नेता वो भी काफी पराक्रमी हैं, कांग्रेस के नेता बी के हरिप्रसाद, उन्होंने कहा कि जो पुलवामा में हमला हुआ ये नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मिली भगत थी, ये मैच फिक्सिंग था। कहते भी दीवाने, सुनते भी दीवाने और सुनाने वाले भी दीवाने। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अब पुलवामा के बाद जिस तरह से आपने एयर स्ट्राइक की, जिस तरह से सेना का पराक्रम हुआ, उसका मोदी को इलेक्शन में बड़ा फायदा हो रहा है। कभी भी मोदी, और इस बात को आप देख लीजिए, जो लोग मेरे निकट से मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं चुनाव के लिए सरकार नहीं चलाता हूं, न ही मैं दल के लिए सरकार चलाता हूं, सरकार मैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए चलाता हूं। सरकार में मेरे सारे निर्णय देश के लिए होते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमसे कोई गलती नहीं होती है, हम भी इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। हमारे लिए देश सुप्रीम है। अब भारत में कुछ भी करो जी, कुछ भी करो,
किसी न किसी कोण में चुनाव होता ही होता है। अब मुझे बताइए, कल यूएन ने इतना बड़ा निर्णय किया, मैं हैरान हूं आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के समय अजहर मसूर का निर्णय यूएन ने क्यों किया। अब क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजेगा क्या? क्या यूएन की मीटिंग मोदी तय करता है क्या? अच्छा मान लीजिए जो कहता है, इतनी ताकत मोदी की है, फिर तो ये देश में मोदी को ही सब कुछ देना चाहिए। अगर यूएन को, यूएन से जो चाहे वो मोदी करवा सकता है, यूएन में चाहे वो डेट तैयार करवा सकता है, यूएन के अंदर चार फेज के चुनाव के बाद फिर एक तय तारीख करके करता है ताकि तीन फेज में फायदा हो, ये सब मोदी कर सकता है, तो फिर 130 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी के बढ़कर और कौन चाहिए? इसलिए इनको समझ ही नहीं है कि वो क्या बयान करी। उनके दिमाग में चुनाव इतना भरा है, यूएन निर्णय करे चुनाव। अभी यूएई ने उसके देश का एक सबसे बड़ा सम्मान मुझे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब रशिया ने एक बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब दुनिया के देश के लोग ये कोई हमारा चुनाव का टाइम टेबल या कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ करके थोड़ा देश चलाते हैं जी, वो तो अपने हिसाब से देश चलाते हैं। लेकिन आप भी तो ऐसे काम करते हैं ना, आप पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खड़ों छुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सामने में यहाँ के लोग जो टीवी पर वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा, इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहां रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहां रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से चले गए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू पढ़ा है, उन्होंने कहा कि हमने भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके। अब वो एक ऐसा, उनका कांग्रेस के पास अभी एक ही पूर्व प्रधानमंत्री है, पहले रिमोट से सरकार चलवाई जाती थी एक परिवार के द्वारा, रिमोट से कुछ बुलवाया जाता है। लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं हुई? महबूबा मुफ्ती जब मुझे मिली, उन्होंने कहा कि मोदी जी को ये बात जरूर कहिए कि अब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, कुछ करना नहीं चाहिए, अब कुछ भी हो सकता है। मैं हैरान हो जाता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान में अपने आप को नेता मानते हैं, भारत के संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, भारत के संविधान की व्यवस्था के तहत सरकारें बनाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, भारत एक बहुत ही जिम्मेवार देश है और पूरी दुनिया में हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में हम जाने जाते हैं, और हमारा आचरण से जाने जाते, शब्दों से नहीं। हम ही हैं जिन्होंने न्यूक्लियर की हमारी डॉक्ट्रिन में
नो फर्स्ट यूज ये डिक्लेयर किया हुआ है, दुनिया के दबाव में नहीं किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्ट्रिन में भारत की हिम्मत की बात है ये कहा, और भारत उसमें तस से मस नहीं है कोई भी सरकार आए तो। मैंने एक दिन अभी कह दिया है कि भैया बहुत हो गया, ये खिलौना नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का व्यवहार होता है और भारत इस विषय में रिस्पॉन्सिबल है। आप रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मुझे किसने भेजी है आपको बताने के लिए, आपका जो आपने जो पाकिस्तान के दिल में आतंकवाद के लिए जो डर पैदा किया, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। मैं जिन्होंने इस रचना की है उनको बधाई देता हूं, शक्ति का अपना एक सामर्थ्य होता है लेकिन शक्ति का प्रगतिकरण संस्कार से कंट्रोल होना चाहिए, संस्कार के अधिष्ठान पर शक्ति होनी चाहिए, वरना शक्ति रावण के पास भी थी। संस्कारहीन शक्ति विनाशक होती है, शक्ति संस्कार युक्त होनी चाहिए। मोदी जी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे देश की राजनीति की, चुनाव की और मोदी सरकार की उपलब्धियों की। ब्रेक के बाद इंडिया टीवी आपकी आवाज। इलेक्शन में जनता के सर पे क्या है? अरे आप देखिए ना, डस्टी डस्ट से कॉलेज एयरपोर्ट आईटी पार्क बन रहा है। प्रोग्रेस और ये फर्क नजरिए का नहीं एक्सटीरियर पेंट का है। बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिक नहीं ना दे। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। थैंक गॉड हमारी शादी हो गई। क्यों? बॉयफ्रेंड को हर छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता जैसे? है जैसे ढंग के कपड़े पहन के आना, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा, अब नो टेंशन। अरे बेबी बॉयफ्रेंड भले ही छोटी सी छोटी चीज का ध्यान न रखे, ये हस्बैंड तो रखेगा। अच्छा लगता है ना जब कोई आपकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखे। लॉयड ग्रैंडे एयर कंडीशनर्स दे आपको रैपिड कूलिंग वाईफाई कंट्रोल के साथ। थैंक गॉड हमारी शादी हो गई। ख्याल रखेंगे, खुश रखेंगे। छोटी गलियों से भी चमकता है बड़ा नाम। देखिए विक्की की पूरी कहानी technomobile.in पर टेक्नो कैम ऑन iPhone। नाउ शाइन इन एनी लाइट। टेक्नो। हेलो स्ट्रीक सिंस्टा शैम्पू हेयर कलर, इसे सूखे बालों पे लगाएं और 5 मिनट में धो डालें। हेयर कलर करना अब शैम्पू जितना आसान। स्ट्रीक सिंस्टा शैम्पू हेयर कलर। और इस इलेक्शन में जनता के सर पे क्या है? अरे आप देखिए ना, डस्टी डस्ट से कॉलेज एयरपोर्ट आईटी पार्क बन रहा है। प्रोग्रेस और ये फर्क नजरिए का नहीं एक्सटीरियर पेंट का है। बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिक नहीं ना दे। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। ये पेंटिंग्स चिल्ला चिल्ला के अपनी ब्यूटी दिखा रही है, तो पढ़ी अनपढ़ी हर किताब इस दीवार पे हल्ला मचा रही है। फ्रेंच विंडो ने इस दीवार को सजाया है, हर छोटा बड़ा चेहरा लुक एट मी चिल्लाया है। चारों दीवारें कितना भी चिल्लाएं, पर सारा अटेंशन ये शांत सुंदर पांचवी दीवार ले जाए। Havells Stealth Series Designer Fans, जो दे मैक्सिमम एयर डिलीवरी और लोएस्ट नॉइस। Havells Fans Ceiling Art, बिना शोर मचाए सारा अटेंशन ले जाए। इंडिया टीवी आपकी आवाज। आज भारत की जनता को सलाम करने का दिन है। भारत के प्रधानमंत्री अपने 5 साल के काम का लेखा जोखा दे रहे हैं। मोदी जी, भारत में जो आपके विरोधी वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को डरा के नहीं रखा, आपने सबको डरा के रखा है। आपने रॉबर्ट वाड्रा को भी डरा के रखा है, चिदंबरम को डरा के रखा है, आपने सोनिया गांधी को भी डरा के रखा है। आपको शायद याद होगा, शायद 2014 में आपकी अदालत में ऐसा ही एक सवाल आपने मुझे पूछा। हाँ, मैंने पूछा था। तब मैंने कहा था बिल्कुल डरना चाहिए, ये प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं कह रहा हूं। और तब मैंने कहा था देश में जब
पापियों का डर खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचारियों का डर खत्म हो जाता है, गलत करने वालों का डर खत्म हो जाता है, तो वो देश खत्म हो जाता है। देश के लिए आवश्यक होता है जो आतंकवादी है, विघटनकारी है, उनको मेरी सेना का डर होना चाहिए, मेरे सुरक्षा बलों का डर होना चाहिए। जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको कानून का डर होना चाहिए। जो नीति विरुद्ध काम करते हैं, उनको नेक और नियत का डर होना चाहिए। और इसलिए ये डर अच्छा है। और ये डर अच्छे के लिए है, और ये डर अच्छों के लिए है। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि ये विरोधी दल इकट्ठे हो गए, महामिलावट है, तो ये महामिलावट आपके डर से तो ही, आपके डर से अखिलेश यादव और मायावती साथ आ गए। आप देखिए, ये सारे लोगों का जरा बराबर एक बार आप एक्सरे निकाल दीजिए। ये वंशवादी लोग हैं, ये सब ऐसे हैं, कोई बेल पर है, कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, किसी पर कानून की तलवार, और मेरे कारण नहीं, मेरे पहले वाली सरकारों से, कोई जेल में पड़े हैं, ये सारे लोग हैं। अब उनको ये लगता है कि भाई बचने का रास्ता मिल नहीं रहा है, एक ऐसा आदमी इसको खरीदा नहीं जा सकता, इस आदमी को दमाया नहीं जा सकता, और ये तो सीधी लाइन में चलता है, अगर कानून में आपके आप सही होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता, और आप गलत है तो कोई बचा नहीं सकता। ये उसूल पर चलने वाला इंसान है, जब तक इसको हटाएंगे नहीं, हमारा ये सारी मुसीबतों से मुक्ति नहीं होगी। वो देश के लिए उनको कोई परवाह नहीं है, उनकी अपनी मुसीबतों से बचने के लिए ये अब महामिलावटियों का, अब उनको पता है डूब रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक योगी जी ने सब साफ कर दिया उनका, तो उनको लगा यार ये तो मोदी आ रहा है, वो तो योगी था, ये तो मोदी है, हाथ पकड़ो यार वरना मर जाएंगे। तो ये बचने के लिए, जैसे तीन का ये हाथ पकड़ने के लिए बचने की कोशिश बचने के लिए हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर क्या है, थोड़ा सा भी उनको आभास हो जाए हाँ आप बच गए तो तुरंत टांग पकड़ करके खींचते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, टांग पकड़ते हैं। अब कांग्रेस ने तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपकी डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता, वो एक डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगी, तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, दो घंटे के बाद आए, बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आए। अब उनके भाषण हम रोज सुनते हैं, रोज भाषण में ये कहते हैं देखा मोदी डर गए, देखा मोदी जी का चेहरा छोटा हो गया, देखा मोदी जी मुस्कुरा नहीं रहे। अगर कोई मेरे लिए इतना समय निकालता है तो अच्छी बात है, कोई तो है जो हमारे हम थके हुए वो कह रहा है, हम हमारी चिंता कर रहा है, अच्छी चीज है। रोज कहते हैं जी कि चौकीदार चोर है, रोज कहते हैं। आप बताइए, आप
के किसी भी कोने में पूछ लेना, मुझे पूछना ही नहीं पड़ेगा। और ये उनके जो भाषण है चुनाव में वो यही है, चौकीदार चोर है। और अनिल अंबानी की जेब में नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। मैंने कभी सुना 1,30,000 करोड़, कभी सुना 40,000 करोड़, कभी सुना 80,000 करोड़। इतने आंकड़े बोलते गए हैं, पता नहीं अब वो कौन से वाला सही माने कौन से वाला गलत माने, कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। एक आंकड़ा हमारे पास में है, वो मैं आपको वीडियो पे सुनाना चाहता हूँ। गुजरात के एक उद्योगपति को आपने कितनी जमीन दी, ये आप सुनिए, आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 45,000 करोड़ एकड़ आपसे छीनकर मुंद्रा में एक उद्योगपति को देते हैं। मोदी जी की जमीन नहीं थी, गुजरात के किसानों की, गुजरात के गरीब लोगों की, गुजरात के आदिवासियों की जमीन थी। इन दिनों मैंने सुना है कोई एवेंजर फिल्म चल रही है। कहते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों के लोग उसमें शामिल होते हैं। हो सकता है कि जो एवेंजर फिल्म वाला स्क्रिप्ट राइटर होगा ना, उसने जब दुनिया के ब्रह्मांड के सभी लोग की साइज क्या है वो अपने स्क्रिप्ट के लिए शायद लिखा होगा आंकड़ा, वो शायद इनकी टोली में आ गया होगा। उनका एक नया 72,000 रुपए सालाने देंगे गरीबों को। उनके गुरु को मीडिया वालों ने पूछा तो गुरु ने कहा कि मिडिल क्लास सेल्फिश हैं, मिडिल क्लास स्वार्थी हैं, हम मिडिल क्लास पर टैक्स लगाएंगे, मिडिल क्लास से पैसे निकालेंगे और उस पैसों से हम ये योजनाएं चलाएंगे। तो उनके जो गुरु है उन्होंने तो मिडिल क्लास को कैसे खत्म कर देंगे उसकी पूरी ब्लूप्रिंट बना करके रखी है जी। और वो 72,000 रुपए जब हम पूछते हैं कहाँ से लाएंगे तो वो कहते हैं कि जो विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी ये जो पैसा लेके भाग गए हैं उनसे पैसा लेके वो लोगों को दे देंगे। लेकिन परेशान तो वो भी हैं जो भागे। विजय माल्या कह रहे हैं कि मैंने 9,000 करोड़ रुपए लिए थे, मोदी जी ने 13,000 की मेरी संपत्ति जब्त कर दी तो भी नहीं छोड़ रहे। मैंने कानून बनाए हैं, कोई बच नहीं पाएगा। जो लूटा है देश का पाई पाई देना पड़ेगा और विदेशों में भी जेल में जाकर के रहना पड़ेगा, उनको यहां आना भी पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। और मिलकर जब्त की है, ऑक्शन करते चले जा रहे हैं, रुपये जमा होते जा रहे हैं, बैंकों को मिलते चले जा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है जी। इसीलिए आपके लिए कहा है, चोर कापे चमचे कापे, चोर कापे चमचे कापे, कापे हर गद्दार, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है मैं भी चौकीदार। आजादी के 75 साल हमारे सामने हैं और हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में यही भाव जग गया मैं भी चौकीदार। तो इस दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत सर्वोपरि बन रहा है। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे जनता के सवालों की, लोगों के मन में क्या सवाल है इसकी बात करेंगे ब्रेक। इंडिया टीवी आपकी आवाज। थैंक गॉड हमारी शादी हो गई। क्यों? बॉयफ्रेंड को हर छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे? जैसे डेट पे गिफ्ट लाना, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा, अब नो टेंशन। अरे बेबी,
बॉयफ्रेंड भले ही छोटी सी छोटी चीज का ध्यान ना रखे, ये हस्बैंड तो रखेगा। अच्छा लगता है ना जब कोई आपकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखे। लॉयड ग्रैंडे एयर कंडीशनर्स दे आपको रैपिड कूलिंग वाईफाई कंट्रोल के साथ। थैंक गॉड हमारी शादी हो गई। ख्याल रखेंगे, खुश रखेंगे। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया, चुप चुपके से हर तरफ खुल जाए एक नई सी ताजगी, छेड़ दे कोई एक मीठी सी अनसुनी सी धुन, मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। हेलो स्ट्रीक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर, इसे सूखे बालों पे लगाएं और 5 मिनट में धो डालें। हेयर कलर करना अब शैम्पू जितना आसान। स्ट्रीक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर। अरे सिलेक्शन में जनता के सर पे क्या है? अरे आप देखिए ना, डस्टी डस्ट है। कॉलेज, एयरपोर्ट, आईटी पार्क बन रहा है। प्रोग्रेस। और ये फर्क नजरिए का नहीं, एक्सटीरियर पेंट का है। बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिक नहीं ना दे। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। इंडिया टीवी आपकी आवाज। वेलकम बैक, मेरे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता। मौका है देश के चुनाव का और मौका है प्रधानमंत्री से उनके काम के बारे में पूछने का। जनता के कुछ सवाल मेरे पास में, बाबला कोचर का एक सवाल है। आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि एक मोदी को चाह रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है। उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है जी। मुकेश लूथरा का सवाल मेरे पास में है। मेरा काम मुझे बहुत देशों में और बहुत शहरों में लेके जाता है और सब लोग उस समय जब भी मैं जब बात करता था उनसे सब यही कहा करते थे कि मोदी जी हिंदूवादी हैं। और आजकल तो ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता पहले जहां जाते हैं पहले शिव मंदिर से, राम मंदिर से शुरू करते हैं और अपने आप को भी हिंदू कहना शुरू कर दिया है। तो इतना बदलाव ये कैसे आया? इस बदलाव से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, ये सीजनल कारोबार है। वो नामांकन भरने के बाद अगर तिरंगा झंडे से वोट कम मिलता है, अगर हरा के झंडे से ज्यादा मिलता है तो रोड शो में हरा झंडा लगा दो। और इसलिए इस सीजनल जो कारोबार करते हैं उनकी राजनीति चल जाती है लेकिन न उसे देश चलता है न जनता का विश्वास चलता है। दूसरी बात है कि सच्चे दिल से किसी भी व्यक्ति में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हमें उसको मदद करनी चाहिए, शक क्यों करना चाहिए। मैं एड्रेस दे सकता हूं बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का, कोई जाना चाहता है तो, क्योंकि मैं उस दुनिया से ज्यादा परिचित हूं। ममता दीदी में हमने परिवर्तन देखा है, वो भी आजकल काली माँ की बात करती हैं, वो भी आज हनुमान जी की बात करती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की बात करती हैं। ये डर नाम की चीज है ना, कुछ भी करा देती है। ये नैतिकता का डर, सिद्धांतों का डर, आदर्शों का डर, 5 साल के कार्यकाल का डर, ये अच्छों अच्छों को, किसी को बजरंग बली बुलवा देगा, किसी को शिव भक्त बना देगा, किसी को काली भक्त बना देगा,
देश का माहौल बन रहा है सबको मुख्य धारा में आने के लिए मजबूर कर रहा है। एक सोनी पांडे का सवाल मेरे पास में है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। चूंकि मैं एक गृहिणी हूं तो मेरा सवाल किचन से ही आता है। पिछले चुनाव में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हाय महंगाई बहुत जोरों से था, पर इस बार हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा बिल्कुल नल एंड वाइड है और विपक्ष इस बात के लिए बहुत परेशान है कि आप मतलब अब वो चुनाव लड़े तो लड़े किस बात पे, और उन्हें आपसे शायद इस बात की शिकायत भी है कि उन्होंने आपने उनके लिए कोई मुद्दे नहीं छोड़े, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 2014 के अखबार निकाल दीजिए, 2013-14 के, हर दिन खबर क्या होती थी? बहन बेटियों की असुरक्षा की खबरें रहती थी, महंगाई, दाल का दाम इतना, पूरा चुनाव का मुद्दा बन गया था। फिर दूसरा घोटाले, कोयला में घोटाला, 2G में घोटाला, सबमरीन में घोटाला, हेलीकॉप्टर में घोटाला, तीन खबरों से भरा पड़ा रहता था और चुनाव शुरू होने से पहले एक प्रकार से माइंड ऑक्यूपाई कर लिया था। पिछले 5 साल में हमारी सरकार की एक विशेषता रही है, करीब करीब 90 के बाद और एक प्रकार से तो आजादी के बाद 5 साल हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा हो और लोएस्ट इन्फ्लेशन रहा हो तो इसी सरकार ने मॉडल दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सिद्धि को अभी हम उत्सव मनाना सीखे नहीं है और इसके कारण नेगेटिविटी का जो अभाव है उसके कारण चुनाव डल लगता होगा, लेकिन सिद्धि का उत्सव भी हो सकता है। और इस चुनाव में मैं हमेशा कह रहा हूं कि बहुत सालों के बाद प्रो इनकम्बेंसी वेव है। आम तौर पर ज्यादा वोट होता है सरकार को हटाने के लिए, इस बार देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ करके 2014 से ज्यादा वोट हो रहा है इस सरकार को दोबारा बिठाने के लिए। एक सोशल मीडिया से सवाल जो कुछ आए हैं, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि कहीं आपने हिसाब दिया था एक दिन में आप जनता के लिए क्या क्या करते हैं, ये अगर आप बताएं जनता। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है, वरना मैं कोई भी आंकड़ा बोलूंगा तो फैक्ट चेक वाले निकल पड़ेंगे और ये मेरा पूरा महीने घंटे भर की मीटिंग और आपकी मेहनत सब पानी में जाएगा, क्यों एक आंकड़ा निकल आएगा? देखो मोदी झूठ बोला। मैं रजत जी से विशेष आग्रह करूंगा कि मैं इसका लिखित एक डिटेल भेज दूंगा आपको ताकि कोई गलत जानकारी देश को नहीं जानी चाहिए, और जरूर आप अपने दर्शकों को इसी इंटरव्यू का हिस्सा बना करके दिखाइए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। एक और सोशल मीडिया का सवाल है। अच्छा, तुरंत मिल गया। अच्छा वाह, मैं अपने पास चीजें रेडी रखता हूँ वैसे, लेकिन मैंने सोचा था जी हाँ, लेकिन आपको इजाजत हो तो मैं जी बताइए। अच्छा हो जाएगा ये। हाँ, हर रोज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 70,000 माताओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। हर रोज सौभाग्य योजना के तहत लगभग 50,000 घरों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। हर रोज जनधन योजना के तहत करीब 2,10,000 गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं। हर रोज मुद्रा योजना के तहत लगभग 1,15,000 उद्यमियों को लोन दिए गए हैं। हर रोज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,000 से अधिक घर बन रहे हैं जिसकी चाबी सुपुर्द की जा रही है। हर रोज स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60,000 से अधिक शौचालय बन रहे हैं, 60,000 शौचालय पर डे। हर रोज करीब 1,30,000 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। हर रोज आयुष्मान भारत योजना के तहत 9,000 से अधिक मरीजों को मुफ्त में इलाज मिलता है। हर रोज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
जो सरकार की सहायता देती है, हर रोज डीबीटी के तहत 400 करोड़ से ज्यादा रकम गरीबों के खाते में सीधी जमा हो रही है पर डे। हर रोज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से करीब करीब 1,05,000 लोगों को लाभ मिल रहा है, अनगिनत संख्या में बता सकता हूँ। इस व्यक्ति ने ये सोशल मीडिया में कहा है, मेरी तरफ से उसका धन्यवाद कहिए। एक और सवाल सोशल मीडिया का मेरे पास में है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हर रोज कहते हैं कि आपने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो कह रहे हैं मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, आपने कहाँ वादा किया था ये तो बता दें कम से कम। मैं मानता हूँ शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, कितनी बार झूठ बोल सकता है, कितने प्रकार का झूठ बोल सकता है, कहां कहां झूठ बोल सकता है, किस किस के सामने झूठ बोल सकता है, अगर इसके निकाले तो शायद ये नंबर 1 ले जाएंगे और आने वाले 50 साल तक। लेकिन ये जो रोजगारी वाला उनका झूठ है वो मुझे सूट करता है, इसलिए आप हैरान हो जाएंगे। हमने मुद्रा योजना निकाली, मुद्रा योजना में बिना बैंक गारंटी हम लोन देते हैं, लोन लेने वाला कारोबार करने के लिए लोन लेता है। 4.25 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बैंक से लोन लिया, 4.25 करोड़। इसका मतलब उन्होंने कोई रोजगार शुरू किया, इसका मतलब उन्होंने किसी एक को रोजगार दिया, किसी ने 2 को रोजगार दिया। करीब इन 5 साल के कार्यकाल में 6 लाख नए प्रोफेशनल्स आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, वकील हो, डॉक्टर हो, 6 लाख। 6 लाख प्रोफेशनल्स आना मतलब किसी ने 2 लोगों को रोजगार दिया होगा, किसी ने 3 को दिया होगा, किसी ने 5 को दिया होगा रोजगार दिया। हमारे देश के अंदर पहले जितने रोड बनते थे उससे 8 डबल रोड बन रहे हैं, तो मैन पावर लगा होगा, रोजगार बढ़ा होगा। पहले जितनी रेलवे बनती थी उससे 2 रेलवे बन रही है, पहले जितना इलेक्ट्रिफिकेशन होता था उससे 2 इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे कामों में रोजगार बढ़ा है। पहले सरकार ने अपने कार्यकाल में 25 लाख घर बनाए गरीबों के लिए, हमने 1.5 करोड़ बनाए, तो 6 गुना ज्यादा किसी न किसी को रोजगार मिला होगा। मैं अनगिनत चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन एक झूठ चलाया जा रहा है तो मुझे भी वो झूठ सूट करता है, मुझे मौका मिलता है देश को ये अकाउंट देने का। मोदी जी, दिल्ली वाले पूछते हैं कि 5 साल हो गए आपको दिल्ली आए हुए, तो कभी आप आराम करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं, कभी सिनेमा देखते हैं, कभी? ऐसा है कि इन दिनों मनोरंजन देने वाले इतने लोग मैदान में आए हैं अब मनोरंजन के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपकी जो जिंदगी है 20 घंटे काम करने की, 3-4 घंटे सोने की, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहने की, ये तो 5 साल से हम देख रहे हैं, मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतना काम करते नहीं देखा, खुश हैं आप? खुश भी हूं, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना जानता भी हूं, लेकिन मैं कभी मेरे भीतर संतोष को पालता नहीं हूं, मैं मेरे भीतर के असंतोष को किसी भी हाल में जगाए रखता हूं। कभी मुझे लगा हाँ संतोष की पलाई, तो मैं सोचता नहीं यार कहीं से असंतोष ले आऊं, एक नई योजना ले आता हूं, नया विचार लेता हूं और फिर एक असंतोष पैदा करता हूं, फिर संतोष मिले तब तक दौड़ता हूं, फिर नया असंतोष पैदा करता हूं। और इसलिए मैं मेरे भीतर, क्योंकि संतोष मुझे सोने की प्रेरणा देता है, असंतोष मुझे सामर्थ्यवान बनने की शक्ति देता है। मेरे भीतर असंतोष की ज्वाला मैं बनाए रखता हूं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कुछ न कुछ नया करूं, कुछ न कुछ नया देखूं,
ये मेरी और वही मेरी ऊर्जा है। तो इसकी वजह से आपके साथ जो मंत्री काम करते हैं, अफसर काम करते हैं, उनको भी तो परेशानी है ना, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मैं जब गुजरात में था तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट लाना ही मेरा मुख्य काम था, तो उद्योग जगत के लोगों को हम साथ ले जाता था, तो वहाँ जो मीटिंगें मेरी तय होती थी तो उत्साह में साथ तो आते थे वो। बाद में वो दो ग्रुप करते थे, मेरे साथ जो डेलीगेशन रहता था, बोले आधा दिन ये डेलीगेशन रहेगा आधा दिन ये रहेगा, बोले इतने घंटे हम काम नहीं कर सकते। यानी कंपनियों के मालिक वो कभी पूरा समय मेरे साथ काम नहीं कर पाते, वो कहते हैं साहब आधा समय ये ग्रुप रहेगा आधा समय ये रहेगा, हम इतने घंटे काम नहीं कर सकते। मैं कार्य के बिना रह नहीं सकता हूँ। मैं मानता हूँ देश ने 70 साल बिगाड़े हैं, हमारे कई चीज़ें होनी चाहिए नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं 70 साल में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो होने की संभावना थी वो नहीं हुआ है, जितनी मात्रा में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। मुझे एक तरफ तो उस 70 साल की खाई को भरना है और देश को 2022 जब आज़ादी के 75 साल होंगे एक ऐसे माहौल की ओर ले जाना है कि देश चल पड़े और दुनिया में जो चीज़ें पाने में 30-40 साल लगते हैं मेरा देश उसे 10-15 साल में प्राप्त कर सके, वो गति में पकड़ना चाहता हूँ। मैं 4 लाइनें आपके लिए जो मुझे भेजी किसी ने वो कह के बात खत्म करूंगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े चोट हथौड़े की पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। हमने बात की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके 5 साल के कामकाज पर, अब ये फैसला आपके हाथ में है, देश की जनता के हाथ में है। अगर आप नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करते हैं तो हाथ उठाकर ताली बजाकर समर्थन करें। इंडिया टीवी पर एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू ने 90 मिनट में एक बार फिर एक नया इतिहास रचा। आपने देखा ये पूरा इंटरव्यू, प्रधानमंत्री का ये वाकई ऐतिहासिक इंटरव्यू 1.5 घंटे से देश भर में ट्विटर पर नंबर 1।